अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने शुरू में आप लोगों को जो असाइनमेंट है उसकी पिक्चर दिखाई है। ठीक है, रिबनिंग आप लोगों ने आई होप कर ली होगी। अगर नहीं की है तो मैं आप लोगों को ये इसमें टेक्निकल के अंदर समझाती हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, वीडियो मैंने इससे पहले लिंक शेयर किया था, वो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ। रिबनिंग आपने मैनेकिन पे इस तरह करनी है कि फर्स्ट पार्ट, अच्छा नेक लाइन जो है आप नीचे करके करेंगे, जिस तरह मैंने टेक्निकल टेक्निकल के अंदर जो मैनिकिन की शेप है उसको कंसिडर करें जो आप लोगों के पास मैनिकिन है। ठीक है, और जो पेंसिल से लाइंस मैंने डिजाइन लाइन बनाई हुई है वो सारी होंगी आप लोगों की टेक, वो रिबनिंग डिजाइन लाइन की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट में दो पैनल्स होंगे, इसको ऑन फोल्ड कट करेंगे तो हमारे पास एक फोल्ड ड्रेस फॉर्म आएगा। यूजली हम हाफ बनाते हैं सिमेट्रिकल डिजाइन्स की, तो हमें पूरे मैनिकन पे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो पैनल्स है, पैनल नंबर वन पैनल नंबर टू। पैनल नंबर वन की लाइनिंग रिबनिंग कैसे होगी, जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है इसी तरह से अपने मैनिकन के ऊपर रिबनिंग करेंगे। रिबनिंग आई होप ऑलरेडी हुई भी होगी आप सबकी, क्यों, क्योंकि सेंटर फ्रंट की ऑलरेडी रिबन लगी हुई होती है, वेस्ट की भी लगी हुई होती है, हिप और टॉप हिप लाइन की भी लगी हुई होती है। और जहां तक आपका मैनिकिन एंड हो रहा है, मतलब फिनिशिंग लाइन सपोज मैनिकिन के यहाँ पे है, तो आप बिल्कुल एंड ऑफ द मैनिकिन तक रिबन लेकर जाएंगे डिजाइन लाइन की। बाकी इसकी लेंथ जब हम एक्सटेंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह करेंगे, गार्मेंट किस तरह से ट्रेस करेंगे। और उसमें सेकेंड जो आपने रिबन लगानी है जो डिजाइन लाइन की होगी वो ये प्रिंसेस लाइन की होगी, जो सेंटर ऑफ द आर्म होल से फुल ऑन नीचे तक आएगी, मींस लेंथ मैनिकिन की लेंथ से। मैंने जो इससे पहले आपसे वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सेंटर ऑफ द आर्म होल से एपेक्स लाइन को क्रॉस करते बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। इसमें ये होगा, आप ये नोटिस कर लें कि जो सेंटर फ्रंट वाला पैनल होगा और साइड सीम वाला पैनल, वो एक लेवल पे जो वेस्ट लेवल होगा वहां पे थोड़ा सा इक्वल होगा, और उसके बाद हिप लाइन से जाते जाते ये पार्ट छोटा हो जाएगा पैनल नंबर वन, और पैनल नंबर टू जो साइड सीम की तरफ है बड़ा हो जाएगा। बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हिप वाला पार्ट आता है और ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो ऑब्वियसली ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, यहाँ से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते जब ये पार्ट रिबिन जो है वेस्ट के बाद नीचे जाएगी। ठीक, ये तो आई होप ये आपने फ्रंट में रिबन कर ली होगी। सेम इसी तरह आपकी बैक में रिबनिंग होगी। ठीक है, बैक में आप सबको पता है किस तरह से रिबनिंग होगी, सेंटर बैक होगा, बस लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन, टॉप हिप लाइन, और मुझे मैंने दूसरी आपको लाइन बताई थी वो आपने मार्किंग्स लगा ली होंगी आई होप। ठीक है, और उसके बाद आपकी ये डिजाइन लाइन होगी बोथ फ्रंट एंड बैक। फैब्रिक जो आपने कट करना है उसकी मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। सही है, मैं आपको फ्रंट पैनल की बताऊंगी मेजरमेंट्स, और बैक की भी सेम ही होंगी, आपने बस जो चेंजेस करने हैं वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे गौर से देखें दो पैनल्स हैं, पैनल नंबर वन पैनल नंबर टू, जो भी मैंने पिक्चर शेयर किया है उसमें भी है। दोनों पैनल्स की जो विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लेंथ नहीं है, ये विड्थ है। विड्थ मींस सेंटर फ्रंट से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम मूव करेंगे दैट इज द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। बोथ फ्रंट एंड बैक आप 40 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, ये आपने 40 सेंटीमीटर ले लिया विड्थ किसकी, फर्स्ट और सेकंड दोनों पैनल्स की। और आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी कि हमने जिस तरह हम बोर्ड पे क्लास में करते थे सेम उसी तरह से ये यहाँ पे सारी पैनल की मेजरमेंट्स हैं, आपने उसको फॉलो करते हुए कैलिको के पीसेस कट करना है फॉर बोथ फ्रंट एंड बैक। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रंट का पैनल बनाया हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है फ्रंट पैनल नंबर वन है जो सेंटर फ्रंट वाला है। इसमें वही सारे रूल्स होंगे जो हमेशा करते हैं हम लोग, 5 सेंटीमीटर आपने मूव करना है सेंटर फ्रंट की लाइन, यही लाइंस जो होंगी, लाइंस जो आप लोग डालेंगे
वो सारी जो है रेड पेन और ब्लू पेन से जैसे हम हमेशा लगाते हैं वो उसी तरह से होंगे, नथिंग इज चेंज्ड। ऑल राइट, 5 सेंटीमीटर हम मूव करेंगे कहाँ से, सेल्वेज वाली लाइन से। और गाइस ये याद रखें कि जो आप सेंटर फ्रंट वाला पार्ट यूज कर रहे हैं वो सेल्वेज वाला होना चाहिए, अगर सेल्वेज वाला नहीं है आपके पास तो आप उसको ओवरलॉक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 5 सेंटीमीटर मूव किया, ये सारे स्टार्टिंग वाले स्टेप्स हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जिस तरह हम लोग ड्रेपिंग वन में करते हुए आ रहे हैं। 5 सेंटीमीटर लिया, एक लाइन ड्रॉ की रेड पेन से, ठीक है, दैट विल बी आर सेंटर फ्रंट। वहां से हम 10 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, वो हो जाएगी प्रिंसेस सीम की, और उसके बाद हम 25 सेंटीमीटर, तो टोटल आपके पास 40 सेंटीमीटर विड्थ का एक फैब्रिक आ जाएगा। लेंथ इसकी जो है 35 सेंटीमीटर ऊपर से आप यूज करेंगे, बस लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरह ड्रॉ करेंगे। 18 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, फिर वेस्ट लाइन आएगी, और ये जो मेजरमेंट है ये आपने यहाँ रखनी है, वेस्ट लाइन से आपने 59 सेंटीमीटर नीचे जाना है। अगर 60 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने 59 ही जाना है, वो मैं बताऊंगी क्यों आपको, क्योंकि हमारा जो गार्मेंट है वो फिनिश्ड 55 सेंटीमीटर का, तो इसमें 4 सेंटीमीटर हेम एडेड है, तो हम 2 एंड 2 जब फोल्ड करेंगे तो हमारे पास फिनिश जो लेंथ होगी गार्मेंट की वो 55 सेंटीमीटर की आ जाएगी। 55 सेंटीमीटर कहाँ से, वेस्ट पॉइंट से हेम तक 55 होगी टोटल। ठीक है, तो आपने वेस्ट लाइन से डायरेक्ट मेजर करना है 59 सेंटीमीटर, और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाना है, तो आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर पीस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैनल नंबर वन। आप पैनल के पीसेस पहले रेडी कर लें, और उसके बाद जो है आप इसको ड्रेपिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास पैनल नंबर टू। पैनल नंबर टू के लिए क्या करना है, आपने 10 सेंटीमीटर इसमें, ऑब्वियसली ये पैनल नंबर टू है, ये साइड सीम का पैनल है, सेंटर फ्रंट इसमें कोई नहीं है, तो हम सिर्फ एक इसमें सेल्वेज की जरूरत नहीं है इस पीस में, आप कोई रैंडम सा भी पीस ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, बस आप लोग उसकी ग्रेन लाइन चेक कर लें कि सीधी हो। ठीक है, आपने क्या करना है, फैब्रिक के कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर पे एक बिल्कुल स्ट्रेट रेड लाइन लगानी है। ये जो मार्किंग्स मैंने लिखी हैं, बस लाइन वेस्ट लाइन, ये आपको समझाने के लिए लिखी हैं, जरूरी नहीं है कि आप लिखें, यू डू गाइज डोंट हैव टू राइट इट डाउन, आप लोग सिर्फ ये ब्लू लाइंस लगा लें और रेड लाइंस लगा लें, दैट्स इनफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर मूव किया और एक रेड कलर की लाइन लगा दी, दैट विल बी आर ग्रे लाइन, और इसके ऊपर सिर्फ आप एरो लगा देंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसमें ग्रे लाइन मैंने इसलिए लिखा है GL, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ग्रे लाइन है। ग्रे लाइन बेसिकली जो फैब्रिक की डायरेक्शन है वो शो करता है आपको किस डायरेक्शन में रखना है, तो आप उस तरह से रखेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर इसकी टोटल जो विड्थ हो जाएगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये सारी मेजरमेंट्स आपने एज इट इज रखनी है, ये पैनल नंबर टू की है, फ्रंट की, फ्रंट और बैक दोनों पैनल सेम होंगे, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा मैं आपको भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ फ्रंट के पैनल्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से हम ऊपर से 30 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, वो बस लाइन होगी, फिर 18 सेंटीमीटर नीचे वेस्ट लाइन, और एग्जैक्टली वेस्ट लाइन से 59 सेंटीमीटर नीचे जब हम जाएंगे तो वो क्या होगी, हमारे गार्मेंट की लेंथ होगी। अच्छा, फर्स्ट पैनल पे मैंने 35 सेंटीमीटर ऊपर से लीव करवाया है और सेकंड में 30, वो इसलिए कि जो फर्स्ट पैनल होता है वो नेक के अराउंड आ रहा होता है ऊपर से, तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है, और उसके बाद हम स्निप करके अराउंड द नेक लाइन कट करके वहां से अपनी नेक लाइन बना रहे होते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से फैब्रिक छोटा होगा नेक लाइन से तो नेक लाइन का कर्व नहीं आएगा, और उसके बाद क्या होगा, नेक लाइन प्रॉपरली ड्रॉ नहीं होगी। यहाँ पे मैंने 30 सेंटीमीटर इससे रखा है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, ये शोल्डर के पास आएगा, शोल्डर के पास कोई कर्व नहीं होता, और एग्जैक्टली अगर हम 35 सेंटीमीटर ऊपर कपड़ा छोड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मीन्स वो वेस्टेज में आएगा। जैसे जैसे आप आगे सीनियर लेवल पे जाते जाएंगे तो आपको ये 30 सेंटीमीटर लीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जो मेजरमेंट है वो और कम हो जाती है, लाइक अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन लाइन, और इतना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक
लीव करने की जरूरत नहीं होगी। ये तो हो गए आपके दोनों फ्रंट और फ्रंट के पैनल्स, ठीक है, पैनल नंबर वन एंड पैनल नंबर टू। बैक में हम क्या करते हैं, जो सेंटर बैक वाला होता है, यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर लीव करते हैं, ये 10 वाला 9 हो जाता है, ये 25 जो ये 25 रहेगा, बाकी सारी मेजरमेंट और लाइन्स सेम ही रहेंगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं, वेस्ट लाइन से 59 सेंटीमीटर आपने डायरेक्ट नीचे मार्क करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 35, 18, 59, 5, 10, 25। बैक में आपने याद रखना है 3, 9 और 25, ठीक है। और बैक का जो सेकंड पैनल होगा उसमें जो है 10 और 30 ही होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ सेंटर बैक वाली साइड पे डिफरेंस होगा। ये पैनल की विड्थ है, ठीक है, और ये पॉइंट भी आप लोग देख लें। इस गार्मेंट में आप 15 सेंटीमीटर का गोडे ऐड करेंगे, जो जॉइनिंग पॉइंट होगा वो वेस्ट पॉइंट होगा, मींस जैसे गोडे जब हम ऐड करते हैं तो हेम से, जैसे मैंने आप लोगों को स्कर्ट गोडे स्कर्ट ड्रेपिंग वन में करना बताया था, तो आपका जो जॉइनिंग पॉइंट होगा वो वेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं आपको बताऊंगी कि आप फैब्रिक कैसे ट्रेस करेंगे। ये आपका मैनिकिन है, ठीक है, मैनिकिन पे आपने ये मार्किंग्स ले ली, रिबनिंग की हुई है, ऑल गुड, ठीक है। आपने क्या करना है, अब ये जो मैं ट्रेसिंग पेपर रख रही हूँ, ये ट्रेसिंग पेपर जो है आपका जो पीस के जो कैलिको का पीस हमने कट किया है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने लाइंस मार्क नहीं की हुई है, जो बस लाइन, वेस्ट लाइन और सारी लाइंस वो आप प्रॉपरली प्लेस करेंगे, ठीक है। बस लाइन पे आ रही है आएगी, वेस्ट लाइन पे, और जो भी जैसे मैंने बताया था ड्रिपिंग वन में हम करते थे, जो भी डिफरेंस अगर थोड़ा बहुत आया आप चेंजेस कर लें, या फिर अगर ऑब्वियसली आपकी आपने रिबनिंग गलत की हुई है तो उसमें एडजस्टमेंट, रिबनिंग सही करें सबसे पहले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना कैलिको का पीस रखना है और सेंटर फ्रंट को सेंटर फ्रंट पे पिन करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो पीस का वो कट नहीं करना, कट हम बिल्कुल एंड में करेंगे सीम अलाउंस से सारी देने के बाद, हमें सिर्फ मार्किंग्स लेनी है। ये ट्रेसिंग पेपर आप कंसिडर करें आपका कैलिको का पीस है, इसमें जो सेंटर फ्रंट होगा वो सेंटर फ्रंट पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है, जैसे हम ड्रेपिंग वन में करते थे, पिंस मार्क करेंगे, बबल लीफ करेंगे ईज के लिए, वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने सेंटर फ्रंट पिन किया और उसके अपना फैब्रिक आराम से ईज आउट करेंगे, लीव करेंगे। और फिर आपने क्या करना है, जो पैनल नंबर टू के पास जो एक्स्ट्रा बिल्कुल जो फैब्रिक आ रहा है वहां से आपने सारी पिनिंग करनी है। यहाँ पे जितने भी बबल्स आ रहे हैं जो पैनल नंबर वन की रिबनिंग के अंदर है, वो सारे बबल्स आपने रिमूव करके सारी पिनिंग लेंथ वाइज करनी है। जब आपकी पिनिंग हो गई तो आपने मार्किंग लेनी है ये वाली नेकलाइन। अच्छा, आपने नेकलाइन भी न्यू मार्क करनी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिजाइन लाइन लिया है उसकी नेकलाइन थोड़ी डीप है, यूजली जो हम मैनिकन पे मार्क करते हैं वो छोटी होती है, तो आपने ये नेकलाइन मार्क की। ये सब पेंसिल से हम लेंगे, शोल्डर, ठीक है, आर्म होल हाफ आएगा क्योंकि हाफ हमारा सेकेंड पैनल में आएगा, सेंटर फ्रंट की लाइन हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड होगी, और इसके आगे आपके पास फैब्रिक होगा जो 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो प्रिंसेस लाइन है ये पूरी हम नीचे तक मैनिकिन के एंड तक मार्किंग ले लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर आप ऑब्वियसली इसमें मार्क करने की जरूरत नहीं है पैनल नंबर वन, बट मैं यहाँ पे इसलिए मार्क कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉपरली नजर आ जाए। यहाँ पे जो पीस ऑफ फैब्रिक है जो हमने रेक्टेंगुलर पीस जो कैलेको का पीस लिया है उसके ऊपर पेंसिल से ये मार्किंग्स आ जाएंगी, और आपने इसको साइड पे रख लेना है, इसमें से कोई कटिंग नहीं करना पीस,
कोई एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं कट करनी है अंटिल और अनलेस आपके पास सारी चीजें ना हो जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अपना सेकेंड वाला पीस लेना है जो फ्रंट के लिए सेकेंड पीस है, और उस सेकेंड पीस में मैंने जो आप लोगों से 10 सेंटीमीटर की ग्रीन लाइन लगवाई थी, दिस वन, ये वाली, ये जो ग्रीन लाइन है आप इसको किस तरह प्लेस करेंगे, मैं यहाँ पे एक पीस कट कर देती हूँ ताकि वो एक कैलिको की तरह रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये मैं हटा रही हूँ पीस, ये मैं अभी बाद में इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। अच्छा, ये जो ट्रेसिंग पेपर है ऑब्वियसली ये आपको कैलिको की तरह बिहेव करेगा, इसमें जो हमने ग्रीन लाइन मार्क की थी, ठीक है। आपने करना क्या है, ये ग्रीन लाइन जो है वो स्ट्रेट जो हमारा सेकंड पैनल है दिस वन उसके सेंटर में रखना है, तो आपका जो होगा काफी सारा फैब्रिक जो होगा वो पैनल नंबर वन के ऊपर आ जाएगा। ऑब्वियसली आप पैनल नंबर वन ट्रेसिंग करके हटा देंगे, इसके ऊपर पिनअप नहीं रखना है आपने। जब आप पैनल नंबर टू ट्रेस कर रहे होंगे तो सिर्फ मैनिकन के ऊपर पैनल नंबर टू ही होना चाहिए, वो कैलिको का पीस उसका, उसके अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सॉरी, इसमें मैं लाइंस मार्क कर लूं ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बस लाइन जो है वो चेंज होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डार्ट का जो वॉल्यूम था, हमारे पास बेसिक बॉडीज के अंदर क्या होता है, एक शोल्डर पे डार्ट होता है, एक वेस्ट पे डार्ट होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो वेस्ट वॉल्यूम डार्ट का और जो शोल्डर डार्ट का वॉल्यूम था वो हमने पैनल के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो मैं ब्लू लाइन मार्क कर रही हूँ ये पैनल के अंदर, और इसके बाद वेस्ट लाइन और सॉरी हिप लाइन और टॉप हिप लाइन इसमें आपने मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ दो लाइंस हो गए हमारे पास, बस्ट और वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिया, इसको सेंटर पे रखा। अब ये जो ट्रेसिंग पेपर जिस तरह से आ रहा है आपका कैलिको का पीस भी इसी तरह आएगा, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग कि आपने किस तरह से रखा है, बट जो ग्रीन लाइन है वो आपने सेकेंड पैनल के सेंटर में रखनी है, ठीक है। जैसे ये इसका सेंटर है दिस वन, आपने यहाँ पे ग्रीन लाइन इस तरह से रखनी है, प्लेस करेंगे वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन पे, ठीक है। जो यहाँ पे अगर लाइंस थोड़ी सी वॉबली हो गई या टेढ़ी हो गई कोई मसला नहीं है, हम उसको बाद में फिक्स आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पैनल नंबर टू, और यहाँ से सॉरी मैं ये इसके सेंटर में यहाँ पे हमारे पास ग्रीन लाइन थी तो वो मैं वापस लगा रही हूँ, ठीक है। आपका पैनल नंबर टू ऐसे आना चाहिए कि मींस आपने बस लाइन पे प्लेस किया, ग्रीन लाइन सेंटर में आएगी ये डिजाइन लाइन के मैनिकिन के, ठीक है। और बाकी हमने एज इट इज जो रिबनिंग की पीछे से कलर नजर आ रहा है वो ट्रेस करना। ट्रेसिंग का मेथड वही है जो मैंने आप लोगों को ड्रेपिंग वन में बताया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे पैनल नंबर वन के लिए भी पीस कट कर रही हूँ, ठीक है। और सॉरी, ये मैं सिर्फ इसलिए प्रॉपर ड्रॉ कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर सेंटर फ्रंट का लीफ होगा, ठीक है। और ये पूरा फैब्रिक का पीस आ जाएगा, नीचे भी होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा बट होगा,
ठीक है। और ये मैंने मार्किंग ली थी, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बस लाइन भी चाहिए और वेस्ट लाइन भी चाहिए। पहले मुझे ऐसा था कि आई डिडंट थिंक कि इसकी जरूरत होगी, लेकिन आई होप आप लोग कंफ्यूज ना हो रहे हो, तभी मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइंस आपके पास ऑलरेडी लगी हुई होंगी सारी की सारी, सॉरी कैलिको के पीस के ऊपर। ठीक है, अब यहां से मैं ये कैलिको का पीस पूरा कट करूंगी। मैं ये कट इसलिए कर रही हूँ कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। ये जो ट्रेसिंग पेपर है ये क्या आपका कैलिको का पीस होगा। ठीक है, ये सारा हम एक्स्ट्रा हटा रहे हैं। सेम स्टेप्स बच्चों बैक के लिए भी होंगे। ठीक है, तो अगर आपको सेंटर फ्रंट सॉरी फ्रंट का समझ आ जाए तो बैक भी समझ आ जाएगा। नथिंग इज डिफरेंट अनलेस जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर बैक पे जो मेजरमेंट होगी सेंटर बैक की वो 3.9 होगी और बाकी 25 सेंटीमीटर वही सेम मेजरमेंट्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास कैलिको का पीस आ गया पैनल नंबर वन। फिर हम अब क्या करना है, हमें इसे दोबारा से प्रॉपरली प्लेस करना है। सारी पिन्स लेनी है। ठीक है, ये सारी प्रॉपरली हमने मार्किंग्स ले ली। अब क्या करना है, अच्छा आप यहाँ पे नोटिस करें मैंने लेंथ जो रखवाई थी किसकी, गारमेंट की, वो मैंने रखवाई है 55 सॉरी वेस्ट के बाद 59। सही है, तो हम क्या करेंगे, वेस्ट पे स्केल रखेंगे और वेस्ट से डायरेक्ट 59 आप मार्किंग लेंगे स्ट्रेट अहेड। ठीक है, इसको मैं ताकि ये क्लियर हो जाए, वरना नीचे से वो चीजें नजर आ रही होती हैं तो गड़बड़ हो रही होती है। अच्छा, जो मैं एक्सटेंशन मार्किंग कर रही हूँ वो मैं ब्लैक मार्कर से कर रही हूँ। यहां से वेस्ट लाइन से आप वेस्ट लाइन पे स्केल रखेंगे आराम से प्रॉपर। आपने क्या करना है, 59 कहाँ पे है, इधर, हाँ 50 का तुम्हारा स्केल होता है। इट डजेंट मैटर, आप मेजरिंग टेप से यहाँ पे रखें। ठीक है, और 59 हम डायरेक्ट नीचे एक मार्किंग ले ली, मार्किंग ले ली और उसके बाद स्केल रख के क्या करना है, आपने ये पैनल्स की लाइंस को एक्सटेंड करना है। ठीक है, क्योंकि हिप के बाद से तो हमारा सारा पैनल स्ट्रेट ही होता है। ये मैं अच्छा ये मैं मार्कर थोड़ा सा दूर रख के करूंगी, वरना ये जापनीज खराब हो जाएगा, इस पे पूरा ब्लैक ब्लैक लग जाएगा। ये मैं पेंसिल से कर रही हूँ। ठीक है, ये सारा मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट 59 सेंटीमीटर। और क्या करना है, 59 सेंटीमीटर के बाद हेम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ठीक है, हेम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रॉ करनी। अब हमारा जो गार्मेंट है वो गोडे के साथ है, मींस उसमें फ्लेयर है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 15 सेंटीमीटर गोडे ऐड करेंगे, तो आपने क्या करना है, और जॉइनिंग पॉइंट क्या है, वेस्ट लाइन है, तो आपने हेम लाइन पे 15 सेंटीमीटर लेके मार्क करना है जैसा हमने रिपिंग वन में किया था, और वेस्ट लाइन से वेस्ट पॉइंट से ये जो गोडे वाला पॉइंट है इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास रेडी हो गया पैनल नंबर वन। अभी इसमें सीम अलाउंसेस एडेड नहीं है, सीम अलाउंस ऐड करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैनल नंबर वन हो गया, इसमें गोटे ऐड हो गया, हम इसको साइड पे कर देंगे। अब हमारे पास आ गया पैनल नंबर टू, आप इसको नहीं ये वाले को देखेंगे। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, वेस्ट लाइन पे यहाँ पे सेंटर से वेस्ट लाइन के सेंटर से हमने क्या करना है, 59 सेंटीमीटर मार्क करना है। 59 सेंटीमीटर हमने मार्क किया,
ठीक है। और उसके बाद हम ये है मार्क कर लेंगे। अच्छा, इस गारमेंट में गोड़े मैं दोनों साइड पे नहीं दे रही हूं क्योंकि वो गारमेंट में इतना फ्लेयर नहीं है, हम सिर्फ एक साइड पे देंगे। तो जो हमारी ये वाली साइड है, प्रिंसेस पैनल वाली, उसे हम दोनों को एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट डाउनवर्ड्स 59। और ये भी, वंस वी आर डन, क्या करना है, साइड सीम पे सेम इसी तरह हमने 15 सेंटीमीटर हेम पे मार्क करना है, और ये ज्वाइन करना है हमें किससे, वेस्ट लाइन से। अब इसमें जो हिप का कर्व वाला पार्ट होगा वो सब अंदर चला जाएगा, जैसे हमारा गोडे स्कर्ट के अंदर चला जाता है। सही है, हमारे पास दोनों पैलेस के पीसेस रेडी हो गए। अब हम सीम अलाउंसेस ऐड करेंगे। सीम अलाउंसेस क्या कितनी होंगी बच्चों, ओवरऑल 1, सीम अलाउंसेस में अलग कलर से मार्क कर रही हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, क्या करना है, आपने 1 1 सेंटीमीटर नेक लाइन मार्क करनी है। आई थिंक ये नजर नहीं आ रहा है, मैं ब्लैक से ही मार्क करूँ। अच्छा, मैं जो सीम अलाउंस से मार्क कर रही हूँ, मैं डॉटेड में मार्क कर रही हूँ ताकि आपको अलग से नजर आ जाए। ठीक है, 1 cm हमने क्या करना है, नेक लाइन, शोल्डर पे होता है 1.5, ये वो ही स्टैंडर्ड है, और ओवरऑल जितनी भी है वो सब 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, मैं आप दोबारा सुन लें बच्चों कि ये जो मैं डॉटेड में मार्क कर रही हूँ ये सारी सीम अलाउंसेस हैं, ठीक है, और आप डॉटेड में नहीं मार्क करेंगे, एज इट इज स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने ड्रिपिंग 1 में सीखा था वैसे ही मार्क करेंगे। डॉटेड में सिर्फ इसलिए मार्क कर रही हूँ, क्यों मार्क कर रही हूँ कि हमें यहाँ पे प्रॉपरली नजर आ जाए। अच्छा, इसमें क्या होगा, पैनल नंबर 1, ये सेंटर फ्रंट वाला है पार्ट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे सीम अलाउंसेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट ऑन फोल्ड कट होता है। हमने यहाँ पे सीम अलाउंसेस दे दी, ठीक है, और उसके बाद जो पैनल नंबर 2 है उसके दोनों साइड पे सीम अलाउंसेस होंगी। अब इसमें यहाँ पे शोल्डर वाला कोई पार्ट नहीं है, आप 1 cm सीम अलाउंस ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और नीचे सबके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा। 59 सेंटीमीटर मैंने लेंथ रखाई थी तो 4 सेंटीमीटर सबके पास होगा ही होगा। अगर आपने कहीं गड़बड़ की है तो फिर आपके पास नहीं बचेगा, वरना सबके पास इनफ 4 हेम के लिए होगा। ठीक है, ये सारे हमने सीम अलाउंसेस दे दी। उसके बाद हम सीम अलाउंसेस की ट्रूइंग कर लेंगे, मीन्स प्रॉपर पेंसिल से जो हम ड्रॉ करते हैं वो कर देंगे। सही है, उसके बाद जब आपके ये पीसेस रेडी हो जाएंगे तो हम इसे क्या करेंगे, कट कर लेंगे। आपके ये पैनल के पीसेस रेडी हो गए और हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक पीस आ गया, और ये एक पीस आ गया। अच्छा, एक और चीज गाइस, अगर हमें दोनों साइड पे गोडे देना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से 40 से ज्यादा फैब्रिक रखेंगे मेजरमेंट करते हुए। अगर आपने कम रखी तो फिर क्या होगा, प्रॉपर वो आएगा नहीं।
आपने एक दफा सीम अलाउंसेस दे दी, सारी मार्किंग सही कर ली। पिनिंग का जो प्रोसीजर है गाइस, वो वीडियो जो आप लोगों से पहले मैंने शेयर की थी उसमें पूरा पिनिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है। और जो बेसिकली प्रोसीजर पिनिंग वाला है उस, और फैब्रिक पिनिंग का, वो उस वीडियो के अंदर है, और उसके फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो ये कर्व वाले पार्ट पे आती है, तो उसमें सारी डिटेल्स हैं। बाकी जो पार्ट है वो स्ट्रेट होगा, तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ से यहाँ पे कोई मसला होता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी ये सारी चीजें एज इट इज। हाँ, बस आ गया एक ये पीस और एक ये पीस। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमने अपना मैनिकन लिया। अब यहाँ पे वैसे मैनिकिन की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, ये पीसेस पिन करने हैं। अच्छा, पिन करने से पहले क्या करना होगा, आपने ये जो कर्व वाला पार्ट है, इस तरह से जो हमने 1 cm सीम अलाउंस दिया है वहां पे उतना स्निप करेंगे। याद है मैंने कर्व पार्ट पे स्निप करने के लिए बताया था, सीम अलाउंस के अंदर अंदर स्निप करना है आपने, और ये जहां से हमने गुडे ऐड किया वेस्ट वाले पार्ट पे, वहां से सीम अलाउंस के अंदर अंदर ही स्निप करना है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है, कर्व पार्ट ये पूरा आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्निप लगाएंगे। स्निप आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जितने लगाने, पर जो जितने भी आप लगाएंगे वो सब क्या होने चाहिए, सीम अलाउंस के अंदर अंदर होने चाहिए। सीम अलाउंस से आपने आगे कटिंग की तो मीन्स आपने अपना फैब्रिक कट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये सीम अलाउंस क्या करना है हमें, अपना सेंटर फ्रंट वाला फैब्रिक ऐसे रखेंगे और हम सेकेंड वाला ऐसे रखेंगे। जिस भी डायरेक्शन में आपने रखना है, जैसा भी आपको इजी है, लेकिन आपने करना क्या है, ये फर्स्ट वाला पैनल जो है फोल्ड करके, ठीक है, ये सारा आपने यहाँ पे कट लगाए हुए होंगे, मार्किंग कट्स लिए लिए हुए होंगे, तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया, देख रहे हैं प्रॉपरली, और ये सारा सीम अलाउंस इसके अंदर चला जाएगा। नेक का वैसे ही रहेगा, सीम अलाउंसेस फोल्ड कर दिए। उसके बाद क्या करना है, हमें सेंटर फ्रंट वाला पीस कहाँ रखना है, सेंटर सेकेंड वाले पैनल के ऊपर। बस लाइन से मैच करेंगे, वेस्ट लाइन से मैच करेंगे, और जो कर्व की पिनिंग होगी वो हम किसी टेबल के कॉर्नर पे या नी के ऊपर रखकर उसे मार्क कर लेंगे, और जो गोटे वाला पीस होगा वो हम यहाँ से अटैच कर लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, ये तो हमारे पास ये पूरा क्या आ जाएगा, एक गार्मेंट रेडी हो जाएगा। ये याद रखिए, फ्रंट वाला फर्स्ट पैनल जो है सेकंड पैनल के ऊपर फोल्ड होकर आएगा। ये कर्व वाला पार्ट हमने यहां से ज्वाइन कर लिया, और ये सारा, ठीक है। पिनिंग की डायरेक्शन वही होगी साइड सीम की तरफ, हमने इसको पिन कर लिया। पिन करने के बाद आपका फ्रंट इस तरह रेडी हो जाएगा। फ्रंट रेडी जब हो जाएगा, फिर बैक भी आप इसी तरह रेडी करेंगे दोनों पीसेस। एंड में क्या करना है, जब ये हमारे दोनों पीसेस पिन हुए हुए होंगे प्रॉपर, तो जो एंड में, जैसे मैं आपको ट्रूइंग बताती हूँ, ट्रूइंग क्या करेंगे हम, ये वाला पीस ऑब्वियसली ये ऐसे नहीं आएगा, ये जब मैनिकेन के ऊपर रखा हुआ होगा, सॉरी मैं यहीं पे रख कर बता देती हूँ ना, ऐसे हम जब पिन करेंगे तो पहले सेंटर फ्रंट पिन कर लेंगे, ठीक है, और ये वाला पीस तो ऑलरेडी पिन हुआ हुआ होगा हमारे पास, सही है। तो ये
अभी पेपर है इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये जब फैब्रिक में ये फ्लेयर पूरा नीचे नीचे आ जाएगा। लेकिन पहले आपने सेंटर फ्रंट पिन करना है ताकि ये वाली चीज ना हो, ये इधर मूव ना हो, ये जो पूरा गारमेंट का फ्लेयर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। यहां से हमें क्या करना है, ये जो थोड़ा सा अनइवन पार्ट होगा, याद है जैसे हमने ड्रेपिंग वन में साइड सीम ट्रू की थी जिसमें एक कॉर्नर बन रहा था, आई होप आप सबको याद होगा, एक कॉर्नर की फॉर्म बन रही थी ऐसे करके यूं। फिर हमने उसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से क्या किया था, ट्रू कर लिया था, मीन्स उसको स्मूथ आउट एक सर्कुलर सा दे दिया था, क्योंकि वरना जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो एक पॉइंट, इतना बड़ा सा पॉइंट, बड़ा सा एक पॉइंट और नॉच पॉइंटी वी बन रहा था, तो हमें वी नहीं चाहिए, हमें स्मूथ कर्व चाहिए, तो उसको हमने स्मूथ आउट कर लिया था। तो ये पार्ट आपने ट्रूइंग में करना है, और उसके बाद आपका फ्रंट वाला पीस पूरा रेडी हो जाएगा। फिर जब हम बैक के दोनों पीसेस रेडी करेंगे, बैक के दोनों पीसेस भी इसी तरह रेडी होंगे, पिन होंगे, और उसके बाद साइड सीम से ज्वाइन हो जाएंगे। जब साइड सीम से ज्वाइन हो जाएंगे तो मैंने ये वाला जो पार्ट बताया है उस पॉइंट को कर्व करके, हमने जैसे ड्रेपिंग वन के अंदर गोटे स्कर्ट में ट्रूइंग की थी स्कर्ट की, सिर्फ वो नॉच पॉइंट हटा दिया था, स्मूथली वो एक कर्व करके उस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, वीडियो आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेजरमेंट्स हैं वो उसमें दी हुई हैं, बाकी जो है एंड में गाइस, जब आपका पूरा गार्मेंट रेडी हो जाएगा, मीन्स जब आपने फ्रंट भी बना लिया, बैक भी बना लिया, ठीक है, साइड सीम से भी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद फिर हम आयरन करके प्रॉपर हेम पूरे गार्मेंट का एक साथ फोल्ड करेंगे और एक साथ उसकी पिनिंग करेंगे। पिनिंग की डायरेक्शन गाइस सेम वही है जो ड्रेपिंग वन में है, चेंजेस नहीं करने हैं आपने कुछ भी, जो फ्रंट वाली गार्मेंट की है, ठीक है, सेंटर फ्रंट पे स्ट्रेट होगी, जितनी भी सीम से पिनिंग होगी वो डायगनल होगी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगी, ये पिन का हेड होगा, ये पिन का पॉइंट होगा, ठीक है, साइड सीम पे भी इसी तरफ होंगी, और सेंटर बैक वाली सेंटर बैक में इसी तरह होंगी। ठीक है, पिनिंग की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है यहाँ पे, और जो सीम अलाउंसेस की जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं हुई हुई है, हेम की जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं हुई हुई है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, हमने गोडे गोडे स्कर्ट भी हमने किया हुआ है, हमने एक फुल गार्मेंट के अंदर गोडे ऐड किया है, ठीक है, और इसमें आपने फ्रंट और बैक दोनों बनाने हैं और उसके बाद कंप्लीट करना है, तो आपका ये गार्मेंट हो जाएगा। पिनिंग मैंने आपको बता दिया, पिनिंग कैसे करेंगे, हम अपना फर्स्ट पैनल जो है सेकंड वाले के ऊपर फोल्ड करके प्लेस करेंगे और ऐसा ऐसा स्लोली पिन करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेजरमेंट्स की मतलब लाइंस जो है, वेस्ट लाइन और बस लाइन, वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने मेजरमेंट्स लेकर प्रॉपर इनको पिन अप किया था, और बस लाइन और वेस्ट लाइन ये सब एक ही जगह पे होंगी, ठीक है। और अब देखें, जैसे मैं अगर यहाँ पे भी पिन कर रही हूँ, पेपर पे मैंने सारी मार्किंग्स ली थी, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे भी पिन कर रही हूँ तो आप गौर से देखें कि वेस्ट लाइन से मैच हो रही है और बस लाइन से मैच हो रही है। और तो आपने पिनिंग कैसे स्टार्ट करनी है, पहले आप वेस्ट लाइन के टॉप और बॉटम पे पिन कर लें ताकि वेस्ट लाइन आपसे हो जाए ये, फिर आप कर्व वाला पार्ट पिन करें और बिल्कुल एंड में नीचे, ठीक है। आपने पिन कैसे करना है मैं फिर से बता दूं कैसे करना है, वेस्ट के टॉप और बॉटम पे पिन लगानी है और नीचे हेम पे यहाँ पे पिन लगानी है। तो जितनी भी अगर आपको थोड़ी सी ईज होगी, मतलब अगर थोड़ा सा कपड़ा स्ट्रेच हो गया या एक्स्ट्रा आ गया, तो वो ईज होगी आप इस पार्ट के अंदर जो वेस्ट के पार्ट बाद जो नीचे पार्ट है उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है कर्व वाला, ये मैंने कहा था वीडियो, दूसरी वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप जो है किसी टेबल के कॉर्नर पे या नी के ऊपर रखकर इसे पिन अप कर ले, चाहिए। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें, आप लोग अपना ही सारा काम करें, अपना ख्याल रखें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।